नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन्स जो है भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती जो है उभर कर अब सामने आने लगे हैं, और इसके खिलाफ जो है भारत कितना तैयार है, कितना सक्षम है, उस पर ज़रा आज बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है सऊदी अरब में जो है उनके ऑयल प्लांट पर जो है ड्रोन अटैक हुआ था। ये ड्रोन अटैक जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से हुआ था, लेकिन ईरान इसको डिनाई करता है। अब चिंता की बात ये होती है कि इतना सक्सेसफुली जो है ये अटैक हो कैसे गया। अब क्योंकि सऊदी अरब के पास जो है अमेरिका का पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, इसके बाद भी जो है इतने सारे ड्रोन जो है घुस जाते हैं, हमला कर देते हैं और बढ़िया सा आपको नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे हो गई? अब ये चीज़ जब हुई तो दुनिया को समझ में आया कि भाई ड्रोन जो है बड़ी ही चैलेंजिंग चीज़। तो अब ज़रा समझ लेते हैं कि ये ड्रोन जो है जो इन्होंने सऊदी अरब पे हमला किया, वो ऐसे एयर डिफेंस से बच कैसे गए। तो जो भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनका रेडार होता है, वो रेस छोड़ता है इस तरीके से। ये रेस जो है ऊपर की तरफ पॉइंट करती हुई जाती हैं, और इन रेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लेन टकराता है तो रेज वापस आती हैं और इससे जो है डिटेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी काउंटर मेजर्स लेने हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन ड्रोन जो है वो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इस तरह के ड्रोन बनाए जा सकते हैं जो कि लो फ्लाइंग होते हैं, ज़मीन से काफ़ी क्लोज जो है उड़ते हैं। कुछ ऐसे ड्रोन भी होते हैं जो कि पेड़ की हाइट के बराबर तक के लेवल पर भी उड़ लेते हैं। तो इस तरह के जो ड्रोन्स होते हैं वो बच जाते हैं रेडार से। तो रेडार से जब वो बच गए तो आपका बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। तो वैसा ही कुछ जो है सऊदी अरब में हुआ। पाकिस्तान ने जो है बहुत कुछ सीख लिया है इस चीज़ से, और अभी काफ़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है छोटे छोटे जो ड्रोन हैं उनको भारत में जो है घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से जो है नकली करेंसी, छोटे मोटे हथियार, इस तरह की चीज़ें जो है ड्रॉप कर रहा है पंजाब वाले बॉर्डर पर। तो दो तीन जो है पाकिस्तानी ड्रोन जो है अब तक स्पॉट किए जा चुके हैं। अब ड्रोन वॉरफेयर की खास बात यह है कि ये बड़े सस्ते होते हैं, स्पेशली जो लो एंड ड्रोन होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। कितने सस्ते होते हैं अगर हम कंपेयर करें तो राफेल जो है आपको 100 मिलियन डॉलर का पड़ता है, और एक ठीक ठाक कैपेसिटी का जो ड्रोन है वो आपका 25,000 डॉलर में ही बन जाता है। यानी कि 1 मिलियन खर्च करके ही जो है आप 40 के करीब ड्रोन जो है ले सकते हैं, और इनकी 500 किलोमीटर तक की रेंज भी हो सकती है। तो जो लो इंटेंसिटी वाले कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लो इंटेंसिटी वाले जो वारफेयर होते हैं, यहाँ पर जो है ड्रोन आइडियल बन जाते हैं। ये बड़ी ही शानदार चीज़ बन जाती है। तो अगर हम जो है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लें तो हमें अपने सैनिकों की जान को जो है जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा, हमें अपने एयर एसेट्स को भी जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा। अब जैसे उरी हमला हुआ था, उसके बाद जो है हमारे फौजी जो है जाते हैं वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करने, ये काम ड्रोन से भी किया जा सकता है अगर हमारे पास इतने केपेबल सक्षम ड्रोन हो। या हमने जो है बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, अगर हमारे पास जो है अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन जैसा होता तो हमको अपने जो है इतने सारे प्लेन, हमें मिराज या सुखोई वहाँ पे नहीं भेजने पड़ते, जो कि जो है काफ़ी जोखिम वाला होता है, क्योंकि अगर हमारा प्लेन नष्ट होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, पायलट का लॉस होता है, तो ये बहुत बड़े लॉस होते हैं। लेकिन यही काम आप ड्रोन से करेंगे तो एक छोटा सा आपका रिस्क होता है और लॉस कम होता है। अब ड्रोन को अगर दुश्मन काउंटर मेजर भी ले ले, उनको नष्ट भी कर दे, तो भी जो है प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेसफुल होने की काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ जो है सऊदी अरब के केस में देखने को मिली, तो वहाँ ही भी जो है करीब 40 के करीब ड्रोन ने ही हमला किया था। अब जब आपके पास 40 ड्रोन इकट्ठे आ रहे हैं हमला करने, आपने अधिकतर को मार भी दिया, एक दो भी अपने टारगेट पर हिट हो गए, तो आपका टारगेट अचीव हो जाता है, दुश्मन का गोल जो है अचीव हो जाता है। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप जो है ना सिर्फ अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करें, साथ में ड्रोन को काउंटर कैसे करना है उसकी भी तैयारी करें। तो हमें जो है इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें एक स्पेशलिस्ट बनना चाहिए ड्रोन वॉरफेयर में, और वो हमें इसलिए बनना चाहिए क्योंकि एक तो इसका R&D कॉस्ट काफ़ी कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है,
तो ये कोई ऐसी भारी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके लिए बहुत बड़ा दिमाग की ज़रूरत हो, बहुत सारा पैसा लगाने की ज़रूरत हो, तो इसके लिए कुछ भी स्पेशल आपको नहीं चाहिए। और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी कोई बड़ा सा आपको लैंड एक्वायर करना हो, फैक्ट्रीज लगानी हो, वो सब भी आपको नहीं करना। तो ओवरऑल जो है ये बड़ी सस्ती चीज़ हो जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी में अगर हम महारत हासिल कर लेते हैं तो जो है बहुत सारे जॉब्स भी जो है हम अपने देश में क्रिएट कर सकते हैं। तो चाइना और इसराइल जो है इस इंडस्ट्री को आज के समय डोमिनेट करते हैं। जो लो एंड मीडियम एंड लो लेवल के जो ड्रोन होते हैं वहाँ पे चाइना और इसराइल का डोमिनेंस है। अमेरिका की बात करें तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन होते हैं जैसे कि प्रिडेटर ड्रोन या वेपनाइज ड्रोन जो होते हैं वहाँ पे जो है अमेरिका की जो है महारत हासिल है। और भारत की अगर बात करें तो अभी जो है हम कुछ इसराइल के सर्वेलेंस ड्रोन ही ऑपरेट कर रहे हैं, खुद के हमारे जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं रुस्तम यूएवी वगैरह, लेकिन जो है अभी भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है दो तरह के कुछ चाइनीज़ ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, कुछ सर्वेलेंस वाले हैं, कुछ रेडार एक्टिविटी रिलेटेड भी जो है ड्रोन यहाँ पे हैं पाकिस्तान। अब काउंटर करने के लिए ड्रोन को जो हालांकि अभी पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या है, तो अभी हाल फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं। 54 जो है किलर ड्रोन जो है ऑर्डर किए गए हैं इसराइल को, तो इसराइल जो है हमें ये ड्रोन सप्लाई करेगा। तो ये किलर ड्रोन क्या होते हैं, ये भी एक तरह के ड्रोन होते हैं जो आपके एरिया में जो है पेट्रोलिंग करते हैं और उन्हें कोई लगता है कि दुश्मन का जो है ड्रोन आया है तो उसको वो शूट डाउन कर देते हैं। तो ये 54 किलर ड्रोन जो है हमने हाल ही में ऑर्डर किए हैं, मतलब ये फरवरी 2019 में ऑर्डर किए होते। अब जो है इनकी डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है या कब होगी, इस पर जो है मीडिया या पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता कि ये अभी आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये रही आज की बात, इस पर जो है आप अपने विचार ज़रूर रखें कमेंट्स में। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।